आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। सो द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज केमिकल चेंज। तो अब केमिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है। सो द चेंजेस आपने 9th क्लास में किया हुआ है। सो द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है। तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। वो चेंजेस जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बने, ठीक है, जैसे मेरे डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, हम रॉ फूड लेते हैं और उसे कुक्ड फूड बनता है, ये पूरी प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने आयरन नेल या रॉड ली जो सॉलिड फॉर्म में है, बट व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, मॉइस्चर, ये कन्वर्ट हो जाती है फाइन पाउडर। फाइन पाउडर और फ्लेक्स लाइक लेयर आयरन पे कवर हो जाती है, ठीक है। तो जो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस है दैट इज नोन एज रस्ट। सोरिंग ऑफ मिल्क, समर में जब हम मिल्क को बाहर भूल जाते हैं, फ्रिज के बाहर रख के भूल गए, और 4-5 घंटे बाद अगर हम मिल्क देखेंगे देन इट विल सोर डाउन। सो व्हाट इज द प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। सो ऑल दीज प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल चेंज, एंड द प्रोसेस विच इन्वॉल्व केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन होती है। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। वो एक्सप्रेशन जो रिप्रेजेंट करे एक केमिकल रिएक्शन को। अब रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसमें सिंबल चाहिए, तो उसमें यूजिंग केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, केमिकल रिएक्शन में दो पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन, दो सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर। कोई सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। एंड रिएक्ट करके जो वो सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है, दो सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर आर नोन एज रिएक्टेंट, ठीक है, वो राइट हैंड साइड पे रहते हैं। एंड द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इन एन रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन दो चीज़ों से रिप्रेजेंट होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये सबसे पहले एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.1 को आप रीड आउट करेंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक और वीडियो है जिसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ सिर्फ मैं आपको एक इसका ब्रीफ अप दूंगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन मेटल, मैग्नीशियम रिबन मेटल का एक रिबन टाइप होता है। रिबन को पहले हम रब करते हैं, ठीक है, रब करके हम हीट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम वी ऑब्जर्व। सो इट इज़ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, ठीक है। इसे हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे आपने दिवाली में फुलझड़ी जलाई है, तो जैसा वो फ्लेम प्रोड्यूस तब करता है दैट इज सिमिलर काइंड ऑफ फ्लेम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे ऑब्टेन होता है, ठीक है। बर्न करने के बाद मैग्नीशियम से वाइट पाउडर फॉर्म हो जाता है, दैट वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं और उसमें रेड लिटमस को ऐड करते हैं तो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ये आप नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, और आपने 7th क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि दो सब्सटेंस विच आर बेसिक इन नेचर विल कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो ये एक्टिविटी 1.1 है, आप इसको ज़रूर, ब्लू बॉक्स में गिवन होती है आपकी एनसीईआरटी में, इसको इसे आप रीड करेंगे, ठीक है। तो रीड करके जो मेन फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वी रब इट विद सैंड पेपर, तो सैंड पेपर से हम इसलिए रब करते हैं सो दैट जो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक लेयर फॉर्म करती है उसको रिमूव कर सकें। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्लेम वी ऑब्टेन, सो डेजलिंग वाइट फ्लेम इज ऑब्टेन। व्हाट सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, सो वाइट पाउडर ऑफ MgO इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द नेचर ऑफ MgO, सो इट इज बेसिक इन नेचर।
Mg plus O2 forming MgO. So reactant give rise to product. Now this is a type of reaction जिसमें हम combination reaction भी बोल सकते हैं. इसी chapter में हम आगे करेंगे. When two reactant combine to form a single product. तो ये combination reaction का भी example है. ठीक है. अब question arise होता है कि why we rub it with sandpaper. So sandpaper के साथ हम rub करते हैं so that to remove the layer which is formed when magnesium react with oxygen. Magnesium highly reactive है. वो oxygen के साथ react कर जाता है और magnesium oxide की layer form हो जाती है magnesium ribbon पे. ठीक है. तो burning easily नहीं हो पाती है उसकी. So हम पहले उसको rub करते हैं sandpaper से to remove that layer. ठीक है. So we rub it with sandpaper. Now activity 2. Activity 2 आपको next page पे chapter के दी हुई है. Activity है what happens when zinc granules added into dilute sulfuric acid. ठीक है. तो Zn प्लस H2SO4 अगर हम रिएक्शन बोलें तो रिएक्शन होगा ZnSO4 प्लस H2. ठीक है. यहाँ पे जिंक एक मेटल है और H2SO4 एक एसिड है. सो व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड इट फॉर्म सॉल्ट जो कि ZnSO4 हुआ और गैस रिलीज हुई वो हुई हाइड्रोजन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन. नाउ दिस इज ऑल्सो अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये आपने क्लास 8 में टाइप ऑफ रिएक्शंस किए हुए थे. तो यहाँ पे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड इट इज फॉर्मिंग ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस. अब एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है 2 मार्क्स का. व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. अभी आप हमने 2 रिएक्शंस देखे. एक तो रिएक्शन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड एडिंग ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स इनटू H2SO4 solution. So what are the changes which state that chemical reaction takes place. So these are the characteristics. First है change in state. ठीक है. जैसे liquid था तो उसमें से gas form हुई meaning कोई change हुआ. So that is change in state. Change in color. तो when we mix two solution और कोई precipitate किसी color का बन जाए तो we can say there is change in color. Then there is change in temperature. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. ठीक है. तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है टेम्परेचर बढ़ जाता है. एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है. ठीक है. एवोल्यूशन ऑफ गैस जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको चेंज इन स्टेट का बताया था. चेंज इन स्टेट में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है. ठीक है. जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करें और कुछ सॉलिड पार्ट फॉर्म हो तो लिक्विड से सॉलिड बन गया एंड इन द सिमिलर वे किसी रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा देन ऑल्सो इट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. अब सबसे पहला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. देर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर. ठीक है. दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं. इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. ए प्लस बी फॉर्मिंग ए बी. अब टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होते हैं. ठीक है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तो सिंपल वर्ड हुआ कि जब दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं. पर वो दो सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं. या तो एलिमेंट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा जैसे Fe प्लस S फॉर्मिंग FeS या एलिमेंट रिएक्ट्स विद मॉलिक्यूल जैसे कि C प्लस O2 तो क्या बनाएगा ये CO2. ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. और मॉलिक्यूल रिएक्ट विद मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2. ठीक है. दोनों ही मॉलिक्यूल हैं आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे अमोनिया. सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. एलिमेंट रिएक्ट विद एलिमेंट एलिमेंट रिएक्ट विद मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद मॉलिक्यूल. अब NCERT की एक एक्टिविटी है. ठीक है. एक्टिविटी आप रीड करेंगे. एक्टिविटी है व्हाट हैपेंड व्हेन क्विक लाइम इज एडेड इनटू वाटर राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन इट. ठीक है. तो जहां पे भी आप एनसीईआरटी बुक में केमिकल रिएक्शन को रीड करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन की हेडिंग है वहां एक डायग्राम बना हुआ है. ठीक है. डायग्राम में बीकर है. बीकर में वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड एड हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे CO प्लस H2O है. ठीक है. टाइपिंग एरर है ये CaO प्लस H2O फॉर्मिंग CaOH
होल ट्वाइस प्लस हीट इज इवॉल्व. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो CaO प्लस H2O फॉर्मिंग CaOH और ब्रैकेट के बाहर 2 आएगा प्लस हीट इवॉल्व. अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुई है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो क्विक लाइम एक चूना है, चूने को हमने पानी में डाला. ठीक है, पानी में डालने के बाद जो सॉल्यूशन बन जाता है वो हम दीवारों पे यूज करते हैं. सो इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग. ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग. ठीक है, अब व्हाट हैपेंड व्हेन CO2 इज पास्ड इनटू लाइम वाटर. ठीक है, तो लाइम वाटर यही था जो अभी हमने बनाया CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम स्लेग लाइम भी बोलते हैं. तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ठीक है, यहाँ पे जितने भी सबस्क्रिप्ट हैं, जैसे OH के बाद 2 है वो नीचे ब्रैकेट में छोटा करके आएगा, जैसे CO में 2 है वो स्मॉल करके फॉर्म होगा. ठीक है, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 फॉर्मिंग CaCO3 प्लस H2O. ठीक है, तो व्हाट हैपन व्हेन CO2 इज पास इन टू लाइम वाटर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वो मिल्की टर्न हो जाता है, किस वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब व्हाट हैपेंड व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड इनटू लाइम वाटर. ठीक है, अगर हम पहला पॉइंट कहें तो पहला पॉइंट था कि व्हाट हैपेंड व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, इट फॉर्म्स स्लेग लाइम. ठीक है, सेकंड पॉइंट, व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, सो इट टर्न्स मिल्की, रीजन कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट हैपेंड इफ वी पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम इसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, किसमें, दैट इज लाइम वाटर में, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है, CaHCO3 नीचे आएगा, होल ट्वाइस में 2 नीचे आएगा. ठीक है, सो मिल्कीनेस ऑफ वाटर डिसअपियर, मिल्कीनेस वाटर की डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म होगा ये, व्हाट हैपेंड व्हेन क्विक लाइम इज एडेड इनटू वाटर, इट फॉर्म स्लेग लाइम. व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू स्लेग लाइम, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. मिल्की क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपेंड व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड. सो व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड देन मिल्कीनेस डिसअपियर, रीजन वो फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट. तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. अब इसमें एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, गिव एग्जाम्पल. सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एज अ रीजनिंग में आ जाता है कि इज दैट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तब आपको ये इक्वेशन लिखनी है, दैट इज CH4 प्लस O2 फॉर्मिंग CO2 एंड वाटर एंड हीट एंड लाइट एनर्जी इवॉल्व. ठीक है, अब जब भी ये क्वेश्चन या रीजनिंग क्वेश्चन में आता है या एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल में आता है तो हम ये दो पार्ट लिखेंगे. एक और इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट इज दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, आप इनहेल एंड एक्सहेल करते हो, तो जैसे ही अगर अपने आप माउथ के पास अपना हाथ रखेंगे तो आपको जो एक्सहेल एयर आ रही है उसमें आपको हीट, थोड़ा वो गर्म हवा लगेगी. ठीक है, तो मीनिंग रेस्पिरेशन इज वी कैन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो व्हाई, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 वाटर में ब्रेक हुआ, हीट इवॉल्व हुई. ठीक है, अगर हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हीट बॉडी से रिलीज होती है. सो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट को इवॉल्व करता है, हीट के साथ एनर्जी भी रिवॉल्व होती है. ठीक है, सो एनर्जी रिलीज हो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो एनर्जी रिलीज होती है बॉडी से, तो दैट इज वी कैन से इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन.